सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तो डिसारे दा एक आपे तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीटेक सीएससी की, कहां से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2024 के लिए। तो जो बच्चे भी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक और करना चाहते हैं बीटेक सीएससी, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2024 के लिए एडमिशन सेशन है जो स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बीटेक में उनको इस साल क्या फीस रहने वाली है, क्या करिकुलम रहने वाला है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीटेक से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले वो आपको एक बार बता देता हूं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, लोकेशन क्या है जिनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, कनेक्टिविटी कैसी है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, एडमिशन यहां पे कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, मोड ऑफ एडमिशन आपकी कैसे कैसे हो जाएगी, स्टूडेंट इनटेक बीटेक सीएससी के लिए कितना रहने वाला है, रैंकिंग्स क्या है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास, करिकुलम कैसा रहता है बीटेक का, फैकल्टी कैसी है, फीस क्या रहने वाली है, स्कॉलरशिप क्या मिलेगी, प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज हमको देखने को मिल जाएगी, कैंपस लाइफ कैसी है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट की यहां से जो सीएससी करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या अगर आप बीटेक सीएससी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हो तो भी आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हो। तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2012 में, ठीक है, 2012 का स्टैब्लिशमेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। उससे पहले जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो सीजीसी, मतलब सीजीसी गढ़वा के नाम से जानी जाती है। सीजीसी क्या है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज है, जो कि 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। 2012 में सीजीसी गढ़वा वाला जो कैंपस था उसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश कर दिया गया, चेंज कर दिया, जो कि अपने आप में आज एक बहुत ही बड़ी और फेमस जो है क्या बोलते हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है, जो कि कहां पे स्थित है, गढ़वा नाम का एक विलेज है, जो कि से अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर की दूरी में पंजाब में जाने को मिलता है। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, कहां पे गढ़वा नाम का विलेज है, जहां पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। जो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत इजीली आप पहुंच सकते हैं गढ़वा। कैसे आपको पहुंचना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे चंडीगढ़ पहुंच जाना, चंडीगढ़ आप कैसे भी पहुंच सकते हैं, प्लेन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब एयरपोर्ट भी है, बाय प्लेन आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, आपको चंडीगढ़ पहुंच जाना है। चंडीगढ़ से आपको बस लेनी है खरड़ की, खरड़ में उतर के आपको 20 रुपए का ऑटो लेके आपको छोड़ देंगे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो बहुत इजीली आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में भी वीडियो बना रखी है कि कैसे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो 3 अलग अलग मोड से, वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा कि कैसे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत इजीली पहुंच सकते हो। एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो देना पड़ता है, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो दो स्पेलिंग है, एक है सीयूईटी एग्जाम, वो अलग एग्जाम है, उसके थ्रू भी यहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन एक पर्सनलाइज एग्जाम है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो क्या है, सीयूसीईटी एग्जाम, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैं आपको स्क्रीन से ही दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो ना सीयूसीईटी, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो यहाँ पे आपको देना पड़ता है अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक सीएससी पे। डायरेक्ट एडमिशन आपकी नहीं होगी, डायरेक्ट एडमिशन आपकी उस केस में होगी अगर आपके मार्क्स 12th क्लास में मोर देन 90% है, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 12th क्लास में 90% से कम है, तो आपको बीटेक सीएससी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जो सीयूसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके अलावा किसी की भी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अंडर ग्रेजुएट की बात पहले आपको ये बता दें तो यहाँ पे बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं इंजीनियरिंग में, वो क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए अगर आप यहाँ पे बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपके पास 60% से 1% भी कम है, तो आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाली, आप एलिजिबल ही नहीं है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो। अब उसके अलावा 10+2 में आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, उसके साथ जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रह सकता है। और टोटल आपके इसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स है विद फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे बीटेक सीएससी में एडमिशन लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आप सीयूसीटी का जो फॉर्म है भर के एग्जाम दे सकते हैं। सीयूसीटी का एग्जाम कहाँ पे होता है, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम दे रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीयूसीटी का जो एग्जाम है आपका घर पे होगा, दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सीयूसीटी एग्जाम के बारे में भी आपको बताया, तो सीयूसीटी जो एग्जाम है दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 है जो अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, वही 2024 तक चलने वाला है। फेज 2 स्टार्ट होगा जून 2024 से,
और जब तक एडमिशन खत्म नहीं होती तब तक आपका चलेगा। फेज वन में आपका जो सीयूसीटी का एग्जाम है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। जैसे 100 में से अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 70 से 79 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप फेज टू में देती है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो 10% से रिड्यूस हो जाती है। जो अगर आपके पास 90 से 100 के बीच में आते हैं तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन फेज टू में अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपके पास 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपकी 10% से जो स्कॉलरशिप है वो कम हो जाएगी। मतलब पहले आपको मिल रही थी 50% फेज वन में, और फेज टू में मिलेगी सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि वो वहीं से पहले पहले सीयूसीटी के फेज वन में एडमिशन ले ले, ताकि उनको फायदा मिल जाए, मतलब जो स्कॉलरशिप है वो उनको कम ना हो। तो ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सीयूसीटी का एग्जाम, और सीयूसीटी का एग्जाम आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं। बोर्ड ऑफ एडमिशन, आपके यहाँ पे दो बोर्ड ऑफ एडमिशन है, या तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है, डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जिसके थ्रू आप सीयूसीटी का फॉर्म भर के अपना एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट वगैरह तो नीचे दो एडमिशन टीम के कॉल नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो भी दिए गए, जिसपे कॉल करके आप अपने सारे एडमिशन रिलेटेड डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हैं। फेज वन में एडमिशन लेने से आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट है जो मिल जाएगा। स्टूडेंट इनटेक की बात करें तो स्टूडेंट इनटेक यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर बात करें स्पेशली बीटेक सीएससी की तो काफी ज्यादा स्टूडेंट इनटेक है जो हाई रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, 1000 से भी ज्यादा कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे उतनी ही, मतलब जितनी ज्यादा स्टूडेंट इनटेक है उतना ज्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। नो डाउट क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उस क्राउड में से जो पढ़ने वाला क्राउड होगा वो बहुत ज्यादा कम रहता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट इनटेक की बात करें तो 5 से 7 हजार बच्चे हैं जो हर साल सीएससी बीटेक सीएससी के लिए आते हैं यहाँ पे। उनमें से जो पढ़ने वाला क्राउड रहता है वो सिर्फ 1000 से 1200 बच्चों का रहता है। बाकी सारे जो क्राउड है वो मतलब कि पढ़ने में इतना ध्यान है जो नहीं दे पाते, या उनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहता। तो आपको एक ऐसा दिखेगा तो सही कि क्राउड बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसमें अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रह सकती है। नो डाउट कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन उस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। रैंकिंग्स की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, ठीक है, PCI अप्रूव्ड है, BCI अप्रूव्ड है। तो जितनी रैंकिंग्स आपको चाहिए सारी यहाँ पे मिल जाएगी। NRF रैंकिंग की बात करें तो 101 की आपको NRF रैंकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो रैंकिंग्स और अप्रूवल्स की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मतलब नाम भी काफी ज्यादा फेमस है, आपको ऑलरेडी पता ही है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। करिकुलम की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद से ही एग्रीगेटेड है, खुद में खुद पूरी यूनिवर्सिटी है, तो इनका पूरा जो करिकुलम रहता है वो हर साल अपडेट होता है। खुद का करिकुलम ये खुद डिजाइन करते हैं, एज कम्पेयर टू मार्केट, जैसे मार्केट में जो जो नई नई चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपना जो करिकुलम है वो अपडेट करते रहते हैं। हर साल जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फैकल्टी की बात करें तो आपको जो अच्छी फैकल्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो बीटेक सीएससी के लिए आपको ओके फैकल्टी देखने को मिलने वाली है। जो आपको PhD होल्डर्स है जो यहाँ पे, मतलब जो मैक्सिमम जो फैकल्टी आपको लोकल फैकल्टी देखने को मिलेगी, जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से देखने को मिलेगी मैक्सिमम। लेकिन जो सारे फैकल्टी होल्डर्स होंगे वो यहाँ पे PhD होल्डर्स होंगे, तो आपको इतनी गारंटी तो मिल सकती है कि वो जितना आपको पढ़ाएंगे उतना उनको आता होगा। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग मिलेगी, 0% स्पून फीडिंग आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो प्रीडिफाइंड रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स नो डाउट आपको जो टीचर है वो क्लियर करेंगे, और आपको पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पे देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप फैकल्टी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकते, ना ही प्लेसमेंट के लिए, ना ही अपने एग्जाम्स के लिए। तो आपको मैक्सिमम जो सेल्फ स्टडी है वो खुद से करनी पड़ेगी। फीस की बात करें तो बीटेक सीएससी की फीस भी आपको बताया, तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको बताया ही था। तो बीटेक सीएससी की जो फीस रहने वाली है, टोटल कोर्स रहेगा 4 साल का, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 1,35,700 रुपए, मतलब 1,35,700 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस है, जो कि आपको 8 बार पे करनी है 4 साल में, ठीक है, तो 8 बार। और उसके अलावा अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीयूसीटी का अगर आप एग्जाम देंगे, आपको अगर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि जो मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है क्या वो पहले सेमेस्टर के लिए है, पहले ईयर के लिए, कब तक है? तो जो आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है आपको पूरे 4 साल के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, जब तक आपकी CGPA 7.5 से अबव रहेगी तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे ही आपकी CGPA 7.5 से कम आ जाएगी तभी के तभी आपकी ये स्कॉलरशिप है कैंसिल कर दी जाएगी। तो जितने आपके CUCT में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपकी स्कॉलरशिप और फीस है जो डिसाइड हो जाएगी। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है, अगर आपकी स्कॉलरशिप किसी पॉइंट पे कैंसिल होती है तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1,35,700 रुपीज, ठीक है। जो एग्जामिनेशन फीस आपकी रहने वाली है वो 2,500 रुपीज पर सेमेस्टर रहने वाली है, ये भी आपको हर सेमेस्टर में पे करना है। सिक्योरिटी जो 2,000 रुपए है वो आपको सिर्फ पर सेमेस्टर में पे करनी है, वन टाइम 2,000 रुपए सिक्योरिटी के देने, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। तो ये सब पूरा आपका एलिजिबिलिटी और फीस डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी और फीस डिटेल्स।
उसके बाद आपको फीस भी बता दी सारी। स्कॉलरशिप मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी कि सीयूसीटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपके ट्वेल्थ में मोर देन 90% मार्क्स है तो आपको डायरेक्टली 50% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी और आपको यहाँ पे सीयूसीटी का एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपकी एडमिशन हो जाएगी बीटेक सीएससी में सिर्फ उन बच्चों की जिनके मार्क्स ट्वेल्थ में मोर देन 90% होंगे, उनको सीयूसीटी के बिना भी डायरेक्टली 50% की जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन मैं उन बच्चों को भी रेकमेंड करूंगा कि आप सीयूसीटी का एग्जाम जरूर देना ताकि आपको अगर 100% स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको भी ज्यादा बेनिफिट हो चुके। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट यार बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बीटेक सीएससी की प्लेसमेंट की बात करें ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब कि आप अगर हम बात करें यहां पे अप्रोक्सीमेट 700 से 800 कंपनीज है जो पिछले सेमेस्टर में आई थी जो आपको सिर्फ बीटेक सीएससी के लिए आई थी। बीटेक सीएससी के लिए जो पैकेज ऑफर किया गया था वो 3 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो पैकेज है कंपनीज ने ऑफर किया था। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहां पे प्लेसमेंट है ना, मतलब आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज है वो कितना है, 54 लाख है, जो कि प्लेटो अल्टो ने दिया था यहां पे, ठीक है, पालो अल्टो ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें 52 लाख का पैकेज, ठीक है, चार्टर ग्लोबल ने दिया था। आरकेजीएम में 36 लाख का पैकेज मिला था। ये जो 36 लाख का पैकेज है ये तो मेरे खुद के क्लासमेट को मिला था जो कि आरकेजीएम में मिला था 36 लाख रुपए का, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद अमेज़न का 30 लाख का पैकेज है, क्वालकॉम का 29 लाख का है, मॉर्गन स्टैनली का 25 लाख का है। तो काफी ज्यादा अमेजिंग पैकेज है जो यहां पे ऑफर किए जा रहे हैं। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें बीटेक सीएससी के लिए तो 4 से 5 लाख रुपए का आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है। वो कौन ऑफर करते हैं? मास रिक्रूटर जो कंपनीज है वो ऑफर करती है एवरेज पैकेज। मास रिक्रूटर कंपनीज जैसे कि विप्रो, एक्सेंचर, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ठीक है, इंफोसिस, ये सारी कंपनीज है। मास रिक्रूटर बहुत लंबी लिस्ट है जो यहाँ पे आती है, 700 से 800 कंपनीज आती है जिनमें से 400 कंपनीज मास रिक्रूटर्स रहती है। उसके बाद 400 से 500 कंपनी स्टार्टअप, तो मिक्स टाइप्स ऑफ कंपनी, सारी कंपनी जैसे कि स्टार्टअप हो गया, फॉर्चून 500 कंपनीज होगी, मास रिक्रूटर्स कंपनीज होगी, टॉप लेवल कंपनीज होगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, सारी कंपनीज आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्लेसमेंट होने के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके 10th 12th में मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए, डिग्री में मोर देन 6 CGPA होनी चाहिए और आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठने के लिए टीपीपी प्रोग्राम लेना पड़ेगा। टीपीपी प्रोग्राम लेने के बाद आप प्लेसमेंट एग्जाम देंगे, जो प्लेसमेंट एग्जाम आप क्लियर करेंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट मिल जाएगी। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो 600 से 700 कंपनीज में आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये हो गया पूरा प्लेसमेंट का रिव्यू। अभी आपसे पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं बीटेक सीएससी के लिए, तो देखो अगर आपके मार्क्स 12th क्लास में कम आ गए हैं, किसी आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है फिर भी बीटेक सीएससी करना चाहते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सबसे सेफ ऑप्शन आपके पास यही रहने वाला है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप अपना जो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीटेक सीएससी करना चाहते हैं, सबसे कम बजट में भी हो जाएगी, सबसे कम फीस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटीज भी बेस्ट देखने को मिल जाएगी, मतलब कि चंडीगढ़ में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, कैंपस लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैंपस लाइफ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसके साथ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाएगी और वो भी सबसे कम बजट में, अगर हम बात करें दूसरी एज कंपेयर टू दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि 200-300 एकड़ का कैंपस रखती है, तो उस कंपैरिजन में अगर बात करें तो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी आपको ये पड़ जाएगी। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है बीटेक सीएससी के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह सीएससी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह सारे एडमिशन लेने के लिए बीटेक सीएससी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।